कोटा जिले में आगामी लोकसभा चुनावों के चलते जिले में पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण करण शर्मा ने बताया कि अब तक पूरे जिले में लोगों से 70 लाख रुपए की राशि जब्त की जा चुकी है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग के निर्देश पर 50,000 से अधिक राशि मिलने पर उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। यदि व्यक्ति राशि के बारे में पूरी जानकारी और दस्तावेज पेश करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वरना उस राशि को जब्त नकदी जब्त की है। इसी तरह हमने काफी एक्साइज एक्ट में कार्रवाई की है और ड्रग्स में भी जैसे अफीम डोडा और चूरा, उस पर भी कार्रवाई हमारी लगातार जारी है।